हेलो मित्रों, मैं आपके लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए रेलवे स्पेशल मैथ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात के कुछ सवाल, जिसमें आप चंद सेकंडों में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है 3:5 समानुपाती 21:21, यहाँ पे कुछ नहीं है, फिल इन द ब्लैंक है, मतलब खाली स्थान है। तो अगर आपको इसको ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, ये अंदर का अनुपात है, ये बाहर का अनुपात है, अंदर के अनुपात का गुणा कर लीजिए। अगर बाहर के अनुपात की संख्या को ज्ञात करना है तो बाहर की अनुपात की एक संख्या बची है उसी से भाग दे दीजिए। जैसे अगर हम 3 से भाग देते हैं, 21 में 7 आया, 7 का गुणा करेंगे 5 में 35, ये हमारा आंसर हो गया 35 है। ठीक है, इसी तरह चलिए हम देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारा है 1:2:3:5 समानुपाते, यहाँ पे कुछ नहीं है और अनुपाते 14 है। जैसे हम ये खाली स्थान जहाँ वो खाली स्थान का हमें जगह बनना है, यहाँ पे क्या आएगा, ये हो गया आपका मध्य अनुपात, ये हो गया आपका बाहरी अनुपात। तो बाहरी अनुपात देखेंगे हम, यहाँ पे दिया गया है 1:2:14 कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मध्य अनुपात दिया नहीं है, एक तो मध्य अनुपातों का गुणनफल होता है, तो मध्य अनुपात 3:5 से भाग देंगे। जो संख्या निकालनी हो उसका एक अनुपात से भाग दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए दशमलव का स्थान सेम स्थान पे है, एक स्थान पे दशमलव, एक स्थान पे दशमलव, तो दशमलव अपने आप समाप्त हो जाता है। अगर हम यहाँ पे देखिए 7 से भाग देंगे 35 में 5 आया, 7 से भाग देंगे 14 में 2 आया, तो 12 × 2 = 24, 24 में अगर हम 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे 24 में 4.8 हमारे लिए आप आंसर हो। तो इस तरह क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, हमारा ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है, जैसे है 12 और 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। 12 और 30 का तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। 12 और 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात कैसे करेंगे, 12 लिखिए, 30 लिखिए, उसके बाद समानुपात लिखिए। समानुपात में जो 30 होता है वो आपका मध्य अनुपात दोनों बराबर होता है, और ये होता है आपका फाइंड करना होता है चतुर्थ अनुपात। तृतीय अनुपात में आपको चतुर्थ अनुपात में यक्ष मानना पड़ेगा और उसे ही सॉल्व करना पड़ता है। तो इस तरह से देखिए मध्य अनुपात हमारे 30 × 30 दिया है, हम इसे लिख लेंगे। जिसका अनुपात हमें ज्ञात करना हो उसका 1:12 दिया है, तो 12 से हम भाग देंगे, देखिए 2 से भाग देंगे 6, 2 से भाग देंगे 15, 2 से भाग देंगे 3, 2 से भाग देंगे 15। अगर हम 15 का गुणा 15 में करेंगे तो 225 हो गया और नीचे बचा है 3। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 3 से भाग देंगे 22 में 21, 7 बार जाएगा 15 बचा 15, तो हमारा आ गया ये 75 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी तरह है 9 और 25 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अगले क्वेश्चन में है 9 और 25 का मध्य अनुपात, 9 और 25 का मध्य अनुपात। मध्य अनुपात ज्ञात करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, 9:x समानुपाती x / 25 लिखते हैं। तो इस तरह से देखिए मध्य अनुपात यही हुआ, हमारा मध्य अनुपात बराबर होता है x का गुणा x में x स्क्वायर हुआ, और 9 का गुणा 25 में हो गया 25 × 9, ये आपका स्क्वायर अगर इधर आ जाएगा तो हो गया वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल होता है 5 और 9 का वर्गमूल होता है 3। इस तरह हम 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 15 हमारा आंसर आ गया, तो मध्य अनुपात जो हुआ आपका 15 हो गया। इसी तरह अगला क्वेश्चन है 8:5 और 2.5 का प्रथमा अनुपात ज्ञात करना है। 8:5 और 2.5 का प्रथमा अनुपात ज्ञात करना। प्रथमा अनुपात ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करते हैं,
प्रथमा अनुपात मान लेते हैं x, उसके बाद दूसरा अनुपात है 8, समान अनुपात है 5 मानेंगे, अनुपात है 2.5 है। प्रथमा अनुपात हमें x ज्ञात करना है। तो देखिए हमने बताया कि मध्य अनुपातों का गुणा कर लीजिए, उसके बाद जिसका हमें ज्ञात करना हो, मतलब बाय अनुपात का एक संख्या दिया और एक संख्या ज्ञात करना है, तो जिसका दिया रहता है एक ज्ञात करना होता है, उसी के एक संख्या जो बचा रहे उसी से भाग कर दीजिए। अगर हम 0.1 हटाएंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, और 25 से भाग देंगे 50 में 2 बार, तो 8 का गुणा 2 में करेंगे 16 हमारा आंसर होगा। इस तरह से प्रथमा अनुपात, मध्यानुपात, तृतीय अनुपात और एक चतुर्थ अनुपात का हम सवाल करते हैं। जैसे इसमें कहा है सवाल में 6, 5, 21 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। 6, 5, 21 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। चतुर्थानुपात ज्ञात करने के लिए देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, 6:5 समानुपात है 21:1। देखिए मध्य अनुपात हमारा दिया, बाय अनुपात का एक संख्या ज्ञात करना है, तो मध्य अनुपातों का गुणा कीजिए। अब बाय अनुपात का जो संख्या ज्ञात करना हो उसी से एक भाग दे दीजिए, 6 से भाग दे देंगे। देखिए 3 से भाग देंगे 2, 3 से भाग देंगे 7, 35/2 आया। 35/2 का मतलब 35 का आधा 17.5 होता है, 17.5 हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे अनुपातों का मान ज्ञात करना हो तो अनुपातों का मान ज्ञात करने के लिए देखिए हम सवाल लगाएंगे। इसमें अब दूसरे टाइप के सवाल आएंगे, अनुपातों का मान ज्ञात करना। जैसे x अनुपात y बराबर दिया है 4:5, x अनुपात y बराबर दिया है 4:5, तो 5x-3y अनुपात 6x+3y का मान ज्ञात करना। अगर इसको आपको मान ज्ञात करना है तो देखिए x का मान यहाँ पे 4 और y का मान 5 आ रहा है, x का मान 4 और y का मान रखेंगे 5, अनुपात x का मान 4 और y का मान 5 है। 5×4 में करेंगे 20, 5×3 में करेंगे 15, 6×4 में करेंगे 24 प्लस 5×3 में करेंगे 15, 20 में से 15 को अगर हम घटा देंगे यहाँ पे आ जाएगा 5, 24 में अगर हम 15 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 39। तो इस तरह हमारा आंसर हो गया 5:39। और अगला सवाल है a/b बराबर 6:5, इस तरह का क्वेश्चन है और इसमें पूछा है 5a+3b समानुपात है 5a-3b, तो इसका अनुपात हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे a/b है, यहाँ पे भी a/b के रूप में a का मान 6 और b का मान 5 है, तो हम a का मान 6 रखेंगे और b का मान 5 रखेंगे। देखिए a का मान हम रखेंगे यहाँ पे 6 और b का मान रखेंगे 5, a का मान रखेंगे 6 और b का मान रखेंगे 5, 5×6=30, 3×5=15, अनुपात 5×6=30, 5×3=15, तो 30 और 15 हो गया हमारा 45, और 30 में से 15 घटा है 15, 15 से भाग देंगे 15 से भाग देंगे 3, इसका मतलब हमारा आंसर हो गया 3:1, यही हमारा आंसर सही है। और पिछले दिनों रेलवे में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है x/3 बराबर y/4, तो 2x+y और 3x-2y का मान निकालें। तो देखिए हम क्या करेंगे, y को यहाँ पे ले आएंगे और 3 को यहाँ पे अगर हम लेके चले जाएंगे तो हमारा कुछ सवाल किस तरह बदल जाएगा। y अगर यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ पे चला जाएगा तो 3/4, इसका मतलब हुआ कि x/y = 3:4, तो x की जगह पे हम 3 रखेंगे, y की जगह पे 4 रखेंगे।
दो एक्स की जगह पे तीन, वाई की जगह पे चार और पाँच, एक्स की जगह पे तीन और वाई की जगह पे चार। देखिए तीन का गुणा दो में छः और चार का अनुपात है, तीन का गुणा तीन में नौ माइनस आठ हुआ, तो छः चार दस हो गया अनुपात है, दस अनुपात है एक हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा अनुपात और समानुपात में ही कुछ और सवाल करेंगे, जोड़ घटाव पे आधारित प्रश्न, संख्याओं पे आधारित प्रश्न। तो हमारा अगला वीडियो देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आज के लिए हम यहीं पे अपना क्लास समाप्त करेंगे। जय हिंद।